दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में अभी तक हमें कई ऐसी अभिनेत्रियां देखने को मिली हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरत अदाओं के साथ साथ अपने टैलेंट से लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया और अब अपने पार्टनर के साथ शादी करके काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, जिनमें श्रद्धा आर्य, अंकिता लोखंडे, ऐश्वर्या शर्मा और दिशा परमार जैसी कई अभिनेत्रियों का नाम शामिल है। वहीं आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे के मौके पर इन अभिनेत्रियों के पति ने इन्हें एक्सपेंसिव जगह पर घुमाया है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टीवी की इन अभिनेत्रियों के पार्टनर्स इन्हें शादी के बाद वैलेंटाइन डे के पहले मौके पर कौन सी एक्सपेंसिव जगह घुमाने लेकर गए थे? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं और साथ में बताने वाले हैं कि शादी के बाद पहले वैलेंटाइन डे पर उनके हस्बैंड ने उन्हें किस एक्सपेंसिव जगह पर लेकर गए हैं। नंबर वन, ऐश्वर्या शर्मा। इस लिस्ट के पहले नंबर पर नाम शुमार है ऐश्वर्या शर्मा का, जो गुम है किसी के प्यार में सीरियल में पाखी की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। वहीं आपको बता दें इन्होंने साल 2021 में अपने बॉयफ्रेंड नील भट्ट से शादी की थी, जिनके साथ ये काफी खुश हैं। बता दें ऐश्वर्या शर्मा के हस्बैंड नील भट्ट इन्हें शादी के बाद पहले वैलेंटाइन डे के मौके पर गोवा घुमाने लेकर गए थे, जहाँ ये अपने हस्बैंड के साथ खूब एंजॉय करती नजर आई है। नंबर टू, करिश्मा तन्ना। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर नाम शुमार है टीवी की मशहूर अदाकारा करिश्मा तन्ना का, जिन्होंने 5 फरवरी साल 2022 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड वरुण बांगेरा के साथ शादी की है। वहीं आपको बता दें कि शादी के बाद इनके हस्बैंड वरुण बांगेरा इन्हें वैलेंटाइन डे के मौके पर पेरिस घुमाने ले गए थे, जहाँ ये अपने हस्बैंड के साथ खूब एंजॉय करती नजर आए, जो कि काफी एक्सपेंसिव रहा है। नंबर थ्री, मौनी रॉय। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम शुमार है नागिन सीरियल एक्ट्रेस मौनी रॉय का, जो अभी टीवी के साथ साथ बॉलीवुड में भी काफी मशहूर हो चुकी है, जिन्होंने जनवरी 2022 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ शादी की है। वहीं आपको बता दें कि इनके हस्बैंड सूरज नाम्बियार इन्हें वैलेंटाइन डे के मौके पर कश्मीर घुमाने ले गए हैं, जहां ये अपने हस्बैंड के साथ खूब एंजॉय कर रही है और अपनी खूबसूरत तस्वीरों से खूब सुर्खियां बटोर रही है। नंबर फोर, अंकिता लोखंडे। इस लिस्ट के चौथे नंबर पर नाम शुमार है पवित्र रिश्ता सीरियल से फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का, जिन्होंने साल 2021 में अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन से शादी की है और उनके साथ अभी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इनके पति इन्हें वैलेंटाइन डे के मौके पर फ्लोरेंस लेकर गए थे, जो कि इटली का सबसे रोमांटिक प्लेस माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने काफी भारी भरकम रकम चुकाई है। नंबर फाइव, श्रद्धा आर्या। इस लिस्ट के पांचवें नंबर पर नाम शुमार है कुंडली भाग्य सीरियल से फेम एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या का, जिन्होंने साल 2021 में अपने पेरेंट्स के पसंद के शख्स राहुल नागल से शादी की थी और अब उनके साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वैलेंटाइन डे के मौके पर उनके हस्बैंड राहुल नागल ने इन्हें मालदीव घुमाने को लेकर गए, जहाँ ये अपने हस्बैंड के साथ खूब एंजॉय करती हुई नजर आई, जो कि इनके लिए काफी एक्सपेंसिव रहा है। नंबर सिक्स, दिशा परमार। इस लिस्ट के छठे नंबर पर नाम शुमार है टीवी की मशहूर अदाकारा दिशा परमार का, जिन्होंने साल 2021 में ही अपने बॉयफ्रेंड राहुल वैद्य से शादी की है और उनके साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वैलेंटाइन डे के मौके पर उनके हस्बैंड राहुल वैद्य इन्हें कश्मीर घुमाने लेकर गए थे, जहाँ ये अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आए। तो दोस्तों आपकी इनमें से फेवरेट जोड़ी कौन सी है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।